दोस्तों बिहार बोर्ड के जो भी छात्र एवं छात्राएं मैट्रिक और इंटर का एग्ज़ाम देंगे 2023 में आप लोग का फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है तो चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं कि फॉर्म किस तरह से भरना है आप लोग को स्टेप बाय स्टेप आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे कि फॉर्म किस तरह से भरना है आप लोग का फॉर्म भरने का डेट पंद्रह सेप्टेम्बर से पच्चीस सेप्टेम्बर से तक रखा गया है तो चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं कि आप लोग का ये फॉर्म किस तरह से भरना है आप लोग को गलती नहीं करना है अगर आप लोग गलती करेंगे तो आपको फिर आगे बहुत ही प्रॉब्लम होगा यहाँ पर देख लीजिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना ऑनलाइन एग्जामिनेशन एप्लिकेशन फॉर इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन दो हज़ार तेईस इस फॉर्म को भरने से पहले किन किन बात को ध्यान में रखना है वो समझ लीजिए आप देखिए परीक्षा फर्म आवेदन केवल अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखना है जो भी आप इसमें लिखेंगे अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखना है उसके बाद प्रत्येक शब्द के बीच में एक बॉक्स खाली रखें आवेदन पत्र के सभी विवरणी सूचीकरण प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन स्लिप के अनुसार भरें इसमें जो भी आप भरेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर के अनुसार भरेंगे तो चलिए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं किस तरह से भरना है सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक नंबर में प्लस टू स्कूल और कॉलेज का कोड नंबर अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो अपना कॉलेज का रोल कोड यहाँ पर डालेंगे फर्स्ट वाले में अपने कॉलेज का रोल कोड डालेंगे जिस कॉलेज में आपका अभी एडमिशन है उसके बाद सेकेंड में यहाँ पर नेम ऑफ द प्लस टू स्कूल कॉलेज नेम तो आपके कॉलेज का जो भी नाम है आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर पर देख लेंगे उसके अनुसार ये दोनों कॉलम भरेंगे उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि बी एस सी यूनिक आई डी इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है ये कॉलेज के द्वारा भरे जाएंगे कॉलेज वाले ऑनलाइन करेंगे तो वो अपना भर देंगे ये यूनिक आई डी आपको यहाँ पे नहीं भरना है ये आपको खाली छोड़ देना है उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है रजिस्ट्रेशन नंबर सबसे पहले यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले कॉलम आपका जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर होगा सेम टू सेम वैसे भरना है उसके बाद पाँच नंबर बोला जा रहा है स्टूडेंट नेम तो नेम आपको किस तरह से भरना है वो समझ लीजिए जैसे आपका अमित नाम है तो आप इसमें किस तरह से भरेंगे वो समझ लीजिए सबसे पहला अक्षर यहाँ पे ए लिखेंगे उसके बाद एक कॉलम को छोड़ के सेकेंड वाले में एम लिखना है फिर उसके बाद थर्ड वाले को छोड़ के उसमें आई लिखना है तो इसमें जो एक कॉलम छोड़ एक कॉलम लिखना है आपको इसमें आपको मिस्टेक नहीं करना आप अच्छे से भर लीजिएगा ठीक है उसके बाद सिक्स नंबर में बोला जा रहा है फादर्स नेम तो वैसे आपको भरना जैसे आप नाम फिल किए थे वैसे एक कॉलम छोड़ एक कॉलम भरना है अपने फादर्स का नेम उसके बाद आपको जनरल सेलेक्ट करना आप मेल है तो मेल दीजिएगा उसके बाद फीमेल है तो फीमेल दीजिएगा ठीक है चलिए उसके बाद आपको बताना है कैटेगरी कौन सा अगर आप लोग जनरल में आते हैं तो यहाँ पर ठीक करेंगे जो भी कैटेगरी से आते हैं आप लोग अपना कैटेगरी लिख देंगे उसके बाद यहाँ देखिए डिफिकल्टी एवलेंट इसका मतलब ये होगा कि आप लोग विकलांग भी है अगर आप लोग विकलांग है तो यस करेंगे अगर नो है तो नो करेंगे उसके बाद दस में भरना है आपको विजुअली इम्पायर्ड इसमें आपको नो लगाना है ठीक है नो वाले टिक पे क्लिक करना है इसमें यस कभी भी नहीं लगाना है आप लोग को इसमें हमेशा नो लगाना है चलिए आगे बताना है कि मोबाइल नंबर अगर आपके पास मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर अच्छे से यहाँ पे भर देंगे है उसके बाद यहाँ पे बोला जाए आधार नंबर आधार नंबर आपका जो भी है वो आधार नंबर सेम टू सेम इस कॉलम में भर देंगे बारह डिजिट का आधार नंबर होते हैं इसमें बारह कॉलम बनाए गए थे आपको बारह कॉलम अपना आधार कार्ड का, का नंबर भर देना है उसके बाद यहाँ पर आपका सिग्नेचर भर देना है उसके बाद अपना ई मेल दे दीजिएगा यहाँ पर देखिए पंद्रह में बोला जा रहा है कि स्टूडेंट कैटेगरी उसके बाद रेगुलर है एक्स कैंडिडेट है उसके बाद कंपार्टमेंटल है तो आपको इसमें सबसे पहले अगर आप लोग इंटर का पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो आपको यहाँ पे रेगुलर देना है अगर आप लोग एक बार इंटर का एग्ज़ाम दे चुके हैं और फेल कर चुके हैं तो आपको यहाँ पे एक्स कैंडिडेट लिखना है ठीक है अगर आप लोग कंपार्टमेंटल का एग्जाम देना चाहते हैं तो इसमें थर्ड में ऑप्शन में क्लिक कर देना है उसके बाद आपको बताना है मैरिड स्टेटस मतलब आपका शादी हो चुका है तो मैरिड है तो आप मैरिड देंगे अनमैरिड है तो अनमैरिड देंगे उसके बाद यहाँ देखिए मैट्रिक क्लास टेंथ पासिंग बोर्ड नेम आपको मार्कशीट ले लेना है और आपका बोर्ड का जो ऊपर में नाम होंगे बी एस सी बी बोर्ड पटना सेम टू सेम आपको इसमें कॉलम में भर देना है उसके बाद आप अपने स्कूल का रोल कोड डालना है जहाँ से आप टेंथ पास किया है उसके बाद आपने दसवीं का रोल नंबर डालना है उसके बाद यहाँ पे यर्स भरना है कि आपने दसवीं कब पास किए 2021 में पास किए या 2022 में वो आपको यहाँ पे फिल करना है उसके बाद आपको रोल कोड डालना है उसके बाद रोल नंबर फिर से डाल देना है उसके बाद आप अपने स्कूल का रोल कोड डालना है जहाँ से आप टेंथ पास किया है उसके बाद आपने दसवीं का रोल नंबर डालना है उसके बाद यहाँ पे यर्स भरना है कि आपने दसवीं कब पास किए 2021 में पास किए या 2022 में वो आपको यहाँ पे फिल करना है उसके बाद यहाँ पर देखिए उन्नीस में आपको क्या भरना है जो भी छात्र एक्स कैंडिडेट है उसके लिए ये है मतलब आप एक बार फेल कर चुके हैं इंटर तो आप दोबारा से एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए ये कॉलम है तो इसको आपको नहीं भरना है अगर आपने फेल किया तो तभी इसको भरेंगे उसके बाद यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट वाइज डिटेल उसके बाद आपको सब्जेक्ट भरना है तो सब्जेक्ट किस तरह से भरना है वो समझ लीजिए अगर आप लोग को सब्जेक्ट डिटेल अच्छे से भरना है अगर आप चाहते हैं कि सब्जेक्ट में कोई भी गलती ना हो तो आप अपने स्कूल से रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर लेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करने के बाद आपका जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार यहाँ पे भर देंगे सबसे पहले आपके रजिस्ट्रेशन में सब्जेक्ट होगा उसके आगे में कोड रहेगा जिस तरह से यहाँ आप देखिए इंग्लिश का तीन है उसके बाद हिंदी में तीन से छः है तो इसी तरह से आपका सब्जेक्ट रहेगा उसके आगे, आगे आपका कोड रहेगा तो उसी अनुसार से आप यहाँ पर भरेंगे वैसे समझ लीजिए यहाँ आप देखिए इंग्लिश और हिंदी है जैसे आप इंग्लिश में पचास अंक रखे हैं तो आपको यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश को टिक करना है अगर आपने इंग्लिश डेढ़ सौ का रखे है तो आपको यहाँ पर भी टिक करना पड़ेगा और यहाँ पे सौ नंबर का इंग्लिश है इस ये दोनों पे टिक करना है तभी आपका डेढ़ सौ का इंग्लिश होगा अगर आपने इंग्लिश पचास का रखे हुआ और हिंदी डेढ़ सौ का रखे है तो आपको यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश में टिक करना है और यहाँ पे हिंदी दोनों में टिक करना है तभी आपका डेढ़ सौ का हिंदी होगा इसमें जो भी सब्जेक्ट देख रहे हैं ये सौ नंबर का सब्जेक्ट है इसमें आपको कन्फ्यूजन होने कोई भी आवश्यकता नहीं है अगर आपने पचास का इंग्लिश रखे है तो इस पर टिक करेंगे अगर आपने डेढ़ सौ का रखा है तो इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे एड्रेस भरना है एड्रेस आपका जैसे है सेम वैसे भरना है एड्रेस उसके बाद यहाँ पर आप लोग को जो भी गार्जियन गए होंगे आपके साथ में उसका सिग्नेचर होना चाहिए उसके बाद आपका सिग्नेचर होना चाहिए हिंदी में उसके बाद इंग्लिश में है उसके बाद ये प्रिंसिपल के द्वारा सिग्नेचर किया जाएगा इतना आप फॉर्म भर के अपने कॉलेज में जो भी डॉक्यूमेंट लगेगा अपने कॉलेज के अनुसार डॉक्यूमेंट देख करके सबमिट कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी अपडेट आएंगे सबसे पहले आपको बिहार बोर्ड के अपडेट इस चैनल पे दिया जाएगा और आप लोग को बता दो जो भी छात्र 2023 में एग्जाम देने वाले आप लोग का टेस्ट एग्ज़ाम 11 अक्टूबर से होने वाले हैं तो आप लोग पहले फॉर्म भर लीजिए और दशहरा का मेला भी कर लीजिए उसके बाद आप लोग सेटअप एग्ज़ाम दीजिएगा